फ्लैग है उल्टा लगा हुआ है, वहाँ पे केस बन सकता है उसके लिए। अच्छी बात है, फेसबुक पे लाइव कर रहे हैं ना, वो थोड़ा ध्यान दे, केस बन सकता है। गुब्बारा लटक रहा वो अलग चीज है, लेकिन जो फ्लैग है और मुख्तलिफ मालियों से आए हुए लोग और हमारे सदर साहब गुरुग्राम के, मैं आप सभी लोगों को अपनी दिल की गहराइयों से 26 जनवरी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी हम लोगों ने इस प्रोग्राम को सुना, जो मुख्तसर प्रोग्राम है और मुख्तलिफ टॉपिक पे स्टूडेंट के स्टूडेंट अपने अपने ख्याल पेश किए और तकरीरें की, जो कि मुख्तसर वक्त में बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया है। एक कम वक्त में सीखा, जो चंद महीनों की मुद्दत में मेहनत की और असाज़ा के साथ मिलकर के खुद भी मेहनत की और असाज़ा हज़रात ने भी मेहनत की और इसको उन बच्चों को एक कॉन्फिडेंस दिया बोलने का कि वो चंद लोगों के सामने आकर के अपने ख्यालात का इजहार कर सकें, वो भी एक ऐसी लैंग्वेज में जो एक बिल्कुल अजनबी सी है, उसको सीखना फिर उसको उसमें आकर तकरीर करना, ये एक कमाल की बात है और इतनी कम मुद्दत में भी। तो मैं तो सबसे पहले तमाम असातिज़े कराम और जितने एमईएच के कारकुनान हैं या फिर जो इसके स्टूडेंट्स हैं, सबको इस अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और वो काबिल तारीफ हैं जिन्होंने इतनी कम मुद्दत में इतना अच्छा सफर तय किया हुआ। क्योंकि एमईएच जो है वो अपने पूरा मारूफ के अंदर जितने भी जो भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं मदारिस में तालीम हासिल करते हैं या चंद तालीम हासिल करने के बाद छोड़ दिए घर पे बैठे हुए हैं, इन सब के लिए एक छोटा सा अभी छोटे नहज पे शुरू किया गया है कि वो आगे अहमियत में आए और कोचिंग के ज़रिए ये इंग्लिश लैंग्वेज को हासिल करें। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज क्या है कि ये एक वे ऑफ कम्युनिकेशन हो चुकी है, मतलब अभी पूरी दुनिया में जो इंग्लिश जो है बात करने का जरिया हो गया है। हम कहीं के भी हों, हम चाइना का हो, किसी भी मुल्क का हो, लेकिन जब दो मुल्क के एक दो अजनबी लैंग्वेज वाले जब भी वो कम्युनिकेशन करते हैं बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज ही होती है जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बनती है। लेकिन अब सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से अब ऐसा नहीं कि इंग्लिश जो है सब कुछ हो जाए, इंग्लिश जो है सिर्फ एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन एक लैंग्वेज है। अब इंग्लिश एक पूरा जो है वो नहीं कि मतलब अगर इंग्लिश नहीं आता तो मतलब कुछ आता ही नहीं है। ये चीज़ मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जब मैं शुरू में जब इंग्लिश शुरू हुआ था तो मैं चंद दिन मैंने भी इसमें बच्चों को पढ़ाया है, तो बच्चों से गुफ्तगू करने के बाद जो बात फीडबैक मुझे मिला है, बहुत सारे बच्चे जो है दिल्ली या और दूसरे बड़े शहरों में जा कर के ग्रेजुएशन या और सब चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनके अंदर जो है इंग्लिश न बोल पाते न लिख पाते इन सबका मलका नहीं है, लेकिन वो ये समझते हैं कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं वहाँ जाकर तालीम नहीं हासिल कर पाऊँगा। और लोगों का जो एक जो हेजिटेशन होती है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो नहीं वो मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि इंग्लिश से थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं जाके किसी यूनिवर्सिटी में या किसी बड़े शहर में अपनी आला तालीम नहीं हासिल कर पाऊँगा। इंग्लिश को सिर्फ जो है इतना समझें कि इंग्लिश मुझे कॉन्फिडेंस देगी और मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगी, उसको ये ना समझें कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं है तो मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये चीज़ समझें इस चीज़ को, क्योंकि मैंने कई लोगों से बात की है इस मामले में तो वो यही कहते हैं कि यार इंग्लिश नहीं आती है, मैं आगे वहाँ जाके कैसे पढ़ूंगा, लोगों में मिलना जुलना फिर उनसे बातें करना ये सब कैसे होगा। तो मैंने उनको बताया कि इंग्लिश जो है सिर्फ ज़रिया है, और दूसरी चीज़ ये कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हमें रास्ता मिलेगा,
ठीक है, जब इंसान क्राइसिस में होता है ना, तो फिर उसको एक नहीं कई एक रास्ते मिलते हैं उसको सीखने के वहाँ से। इसी तरह से जब एक फॉर्म क्राइसिस में होती है तो वहाँ से उसको लीडर मिलता है। इसी तरह जब एक इंडिविजुअल पर्सन जब क्राइसिस में होता है तो उसको अनेक रास्ते मिलते हैं कि वहाँ से अपना रास्ता बनाए और वो उस रास्ते पर चले और अपनी मंजिल तय करे। तो यही चंद बातें हैं जिसको इस बात को जन्म रखें और इंग्लिश को पढ़ें, इंग्लिश सीखें और इस पर मेहनत करें। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश के साथ साथ है, और भी दूसरी लैंग्वेजेस हैं जिसको, जैसे उर्दू है, हिंदी है, ये सब चीज़ें। इसलिए कि ये सब जो और सब चीज़ें जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सिर्फ इंग्लिश ही नहीं होती, इंग्लिश होती है लेकिन इंग्लिश के साथ साथ जैसे जनरल नॉलेज है, उर्दू है, हिंदी है, हर चीज़ से जो सब्जेक्ट बनता है उसका, वो हर चीज़ को मिला करके एक वो बनता है। फिर जाके वो उसमें जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो है वो जाके कहीं जाके वो एक टफ पेपर बनता है, तो उसमें हर चीज़ की रिक्वायरमेंट आती है। तो इस वजह से इंग्लिश को तवज्जो दें ही, उसके साथ साथ और भी जो दूसरी ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे जनरल नॉलेज है और भी दूसरी चीज़ें जो पढ़ना है, उस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। बस यही चंद बातें थी जो ध्यान में थी, मैंने कही। बाकी बस मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की जो है कि हमारी MEH कोचिंग जो है आगे बढ़े, और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि इसमें अपने पास पड़ोस जो बच्चे हैं वो इसमें आके दाखिला लें। और जैसे कुछ बच्चे भी सारी मदरसे भी नहीं खुले हैं हर जगह के, तो जो बच्चे भी सब नहीं जा सकते मदरसे में या जहाँ भी पढ़ते हैं, तो जितना वक्त है उतना तो आगे कम से कम सीखें। क्योंकि अभी जो एक स्पीच इस पर भी थी कि टाइम रिसर्च, टाइम बहुत कीमती चीज़ है, तो जितना भी वक्त है हमारे पास उसको यूटिलाइज करें। क्योंकि हम यहाँ जो पढ़ेंगे जो भी चंद दिनों में, हो सकता है जब वहाँ जाएँ तो इसके बलबूते में और अच्छा सीखने का मौका मिले, और ये हमारे लिए ये चंद महीने का सीखना एक राह बन जाए मजीद चीज़ें सीखने के लिए। तो ये ना देखें कि मैं दो चार महीने के लिए या एक महीने के लिए मैं क्या सीखूँगा इसमें, बल्कि जितना भी वक्त है वो आके इसमें दाखिला लें और उस पर फिर जितना जो भी वक्त है उसके साथ उसको यूटिलाइज करें और सीखें और अपनी स्किल्स को में इजाफा करें। सलाम।